पिछले दिनों मंगल ग्रह पर भालू के मुंह की आकृति मिलने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद से लगातार वैज्ञानिक वहां पर कुछ और सबूत तलाशने में लगे हुए थे। उसी दौरान वैज्ञानिक को एक ऐसा क्रेटर मिला है जो बेहद रहस्यमयी है, और इससे पहले उस क्रेटर के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता था। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस भालू के मुंह की आकृति के रहस्य का भी पर्दाफाश कर दिया है। तो क्या है ये तमाम खबरें, ये जानिए हमारे इस वीडियो में, और आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महानाम हिस्ट्री। तो दोस्तों, जीवन की तलाश में पृथ्वी के परे किसी ग्रह पर अगर बहुत ज्यादा खोजबीन शुरू है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है, तो वो है मंगल ग्रह। और इसी मंगल ग्रह की सतह की तमाम तस्वीरें आप आए दिन देखते रहते हैं। इस बार वैज्ञानिकों ने अपने MRO यानी मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर की मदद से एक ऐसी हाई रिजोल्यूशन तस्वीर ली है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले पता नहीं था। उन्होंने एक क्रेटर की तस्वीर ली है और उसके बारे में कई आंकड़े इस MRO की मदद से वैज्ञानिकों ने जुटाया है। तो क्या है ये क्रेटर और किस तरीके का वो दिखता है, साथ ही वहाँ पर किस तरह की परतें मौजूद हैं, और क्या यहाँ पर जीवन की मौजूदगी का कुछ पता चला है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महानाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस क्रेटर की तस्वीर है जिसके बारे में इससे पहले वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को अपने MRO की मदद से हाई रिजोल्यूशन के तौर पर कैद किया है। और इस बड़े क्रेटर की फोटो में कई परतें साफ साफ दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि नासा का मार्स मिशन लगातार जारी है और नासा लगातार मंगल पर जीवन के सबूत तलाशने में जुटी हुई है, और इसी अभियान के तहत नासा आए दिन मंगल की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों या अन्य वस्तुओं के बारे में अपडेट देती रहती है। और इसी अभियान के तहत नासा ने इस क्रेटर की फोटो शेयर की है, और नासा ने इस बड़े क्रेटर को प्रोमिथी टेरा क्रेटर नाम दिया है। इसमें परतीय स्ट्रक्चर पाया गया है, और आपको बता दूं कि ये क्रेटर मंगल ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है जिसमें द्विपरेतीय मेसा जैसी आकृति की बनावट वाली जमीन दिखाई दे रही है। इसे नासा के हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट द्वारा कैप्चर किया गया है। और अगर आपको नहीं पता है कि ये हाई राइज क्या है, तो आपको बता दें कि ये हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट एक ऐसा कैमरा है जो बेहद बारीकी से हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकता है, और ये नासा के मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट पर लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि ये मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट नासा के मंगल मिशन अभियान का अहम हिस्सा है जो मंगल की परिक्रमा 2006 से ही कर रहा है। और प्रोमिथी टेरा क्रेटर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का विषय लंबे समय से रहा है, और इस क्रेटर की मदद से एजेंसी को मंगल के भूविज्ञान और वहां के क्लाइमेट को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे ये भी पता लगा पाने में मदद मिलेगी कि मंगल ग्रह कैसे बना होगा। और आपको बता दें कि MRO पे लगा ये हाईराइज कैमरा यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये पहली बार नहीं है जब इस कैमरे ने इस तरह के किसी क्रेटर का पता लगाया हो और उसकी तस्वीरें खींची है। इससे पहले हाल ही में नासा ने एक और अद्भुत तस्वीर इसके जरिए शेयर की थी। जी हाँ दोस्तों, वो तस्वीर वही है जिसके बारे में शुरू में मैंने बताया था, यानी मंगल की सतह की ये तस्वीर आपको भी बेहद दिलचस्प लगी होगी,
और इस तस्वीर में एक भालू का चेहरा बनता हुआ देखा गया। और अब इस भालू के चेहरे वाले तस्वीर के भी रहस्य से पर्दा हट चुका है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दो क्रेटर्स हैं जो पास होने के कारण आंखों जैसी आकृति बना रहे हैं, और इनके चारों तरफ एक गोलाकार रेखाकृति बनी हुई दिखाई देती है, जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर एक भालू के चेहरे का आकार ले लेता है। इसमें एक ज्वालामुखी के होने की संभावना भी बताई गई है, जो कि इस भालू की नाक की आकृति बनाता है। आपको ये भी बता दें कि हाई राइज के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद हाई रिजोल्यूशन फोटो खींच सकता है, और इसकी मदद से नासा मंगल की सतह के बारे में काफी कुछ जानकारियां अभी तक जुटा चुकी है, और ये कैमरा काफी पावरफुल बताया जाता है, और इसने मंगल पर मौजूद घाटियों, ज्वालामुखियों और अलग अलग कई चट्टानों और कई ऐसी तस्वीरें ली है जो वैज्ञानिकों के रिसर्च में काफी मदद कर रही है, और इसकी मदद से मंगल के भूविज्ञान को समझने में भी बहुत मदद मिलने का दावा किया जा रहा है, और इसी की मदद से नासा मंगल पर पानी या मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत भी तलाशने की कोशिश कर रही है। तो आपने जिस क्रेटर को देखा, उसके तमाम परतों को देखा, अब वैज्ञानिक उसकी और हाई रिजोल्यूशन तस्वीर, वो भी काफी क्लोज तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन परतों के बारे में और डिटेल जानकारी वैज्ञानिकों को मिल सके। साथ ही वो ये भी समझ पाएं कि उस क्रेटर के आसपास का तापमान कितना है, और क्या उस क्रेटर के तमाम परतों के नीचे जीवन का कोई स्वरूप मौजूद हो सकता है। ये तमाम चीजें अब नासा के शोध का विषय बन चुके हैं, और नासा बहुत बारीकी से उस क्रेटर से रिलेटेड तमाम आंकड़े जुटाने में लगा हुआ है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी कई चौंकाने वाली जानकारी नासा हम आम लोगों के साथ शेयर करे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।